नमस्ते दोस्तों, ये मेरा YouTube का चैनल शेखर जोगलेकर। ये एक बहुत ही सरल और सीधा, समझने में आसान ऐसे संगीत अभ्यास के लिए बनाया गया चैनल है। कई सारे लोग रोज इस चैनल के साथ जुड़ रहे हैं। इससे आप संगीत अभ्यास कैसे करोगे? आप मेरे चैनल के मेन पेज पे जाइए, वहाँ जो मैग्नीफाइंग ग्लास होता है या सर्च का आइकॉन होता है, वहाँ पे लेसन ये शब्द टाइप कीजिए तो सारे जितने भी लेसन हैं, लेसन नंबर 1 से लेकर लेसन नंबर 55 तक सारे दिखाई देंगे वीडियोस पेज पर। लेसन नंबर 1 से आप शुरुआत कीजिए और क्रम से बढ़ते जाइए। आपको उस लेसन को कॉन्फिडेंटली करना आया तो फिर आगे के लेसन पे जाइए। ये सारे एक्सरसाइजेस, ये सारे लेसन्स हो जाने के बाद, जिसको कम से कम 6 महीने लगेंगे, फिर आप रागों के सरगम गीतों को देखो। सरगम गीत भी बहुत आसान तरीके से समझाए गए हैं। फॉर एग्जाम्पल, सबसे पहले राग भूप का सरगम गीत देख लीजिए। उस सरगम गीत को ठीक तरह से समझ लेने के बाद आपने गाने और बजाने की कोशिश करनी है। तत्पश्चात राग भूप की बंदिश देख लीजिए। ये सरगम गीत और बंदिश में कॉन्फिडेंट होने के लिए 1 महीना लगेगा। इस तरह अलग अलग रागों के सरगम गीत को पहले देखिए, फिर बंदिश को देखिए। ऐसे समझो 1 साल में आपके 4 राग हो गए, तो फिर आप सुने हुए किसी भी गीत को, भजन को बड़ी आसानी से बजा और गा सकोगे। राग झिंझोटी, इस राग में नी कोमल बाक्सप स्वर शुद्ध लगते हैं। वादी स्वर ग और संवादी स्वर नी है। गाने का समय रात का दूसरा प्रहर, जाति संपूर्ण है। मंद्र और मध्य सप्तक में ये राग ज्यादा कर गाया जाता है। इसके आरोह अवरोह, इसका मुख्य अंग सारे ग म ग प म ग रे सा। राग झिंझोटी, आरोह अवरोह। इसका मुख्य अंग झिंझोटी सरगम गीत। ये सरगम गीत शुरू होता है 9वीं मात्रा से। दा दिन दिन दा दा दिन दिन दा व सा सा रे ग म ग म ग रे सा व सा सा रे ग म ग म ग रे सा सा रे रे ग म प प ग नी ग सा।
In case of any doubts or queries, you may write to me at the email address given or talk to me on the phone number given. I will definitely try my level best to address your query.